सतदल के बंद खुले, झरझर मकरंद घुले, सूरज के बटखों से केसर के खेत तुले, सरसों के खेतों ने बांटी पीली पाती, पाहुन प्रवासी को धड़कने बुलाती। भैया का आंचल तू, ममता का मोती, भैया की राखी जो बहना पिरोती, दादी का चश्मा तू, दादी की लाठी, पाहुन प्रवासी को धड़कने बुलाती। बौर की सुगंध और कंचे की गोली, अमियन के बाग और कोयल की बोली, ऋषियों की पुण्य भूमि भारत की माटी, पाहुन प्रवासी को धड़कने बुलाती। ये बहुत एक उम्दा गीत है जिसकी सर्जक हैं मृदुल कीर्ति जी। मृदुल कीर्ति जी साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत साधुवाद, नमन, वंदन और स्तवन। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मृदुल कीर्ति जी बहुत ही प्रबुद्ध, बौद्धिक और विदुषी महिला हैं। साहित्य तक पर इस कार्यक्रम में मैं अमूमन साहित्यकार और जो स्थापित साहित्यकार हैं उनके साथ बातें करता हूं। मृदुल जी कई मायनों में जो स्थापित साहित्य की परंपरा है उससे अलग हैं और अनूठी हैं। आज इनको अपने कार्यक्रम में बुलाने की वजह यह थी कि 10 जनवरी को हम अभी विश्व हिंदी दिवस मना चुके हैं और जब पूरी दुनिया हिंदी का गान कर रही है तब मृदुल जी का यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। सम्मान की बात इसलिए भी है क्योंकि वे दुनिया के दो अलग अलग भूखंडों को, जिनको हम महाद्वीप कहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और कभी अमेरिका में, इन दो छोरों पर रह के, दुनिया के दो छोरों पर रह के भी वो हिंदी का अलग, और हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत और भारतीय भाषाओं का अवधी, ब्रज जैसी भाषाओं की भी डोर इस कदर थामे हुए हैं कि पूरी दुनिया में उनकी ध्वजा पताका फहराती रहती। मृदुल जी बहुत सारा काम किया है उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में, उसको समृद्ध करने के लिए। और आपका जन्म मैं श्रोताओं को छोटा सा बता दूं, उसके बाद उनसे बातचीत में जानेंगे। 7 अक्टूबर 1951 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पूरनपुर में आप पैदा हुए। पढ़ाई लिखाई आपकी उसी इलाके में हुई। राजनीति शास्त्र से आपने स्नातकोत्तर किया और वेदों में राजनीतिक व्यवस्था पर आपने शोध कार्य किया, डॉक्टरेट की डिग्री। भारतीय वेद, उपनिषद, पुराण, शंकराचार्य, भारतीय संस्कृति, कला, मर्म, इन सबका गहन अध्ययन किया और केवल अध्ययन ही नहीं किया बल्कि भारतीय भाषा में वह आम जन तक, आम लोगों तक पहुंच सके इसकी पूरी कोशिश किया। आपके कामों की एक लंबी श्रृंखला है जिसमें सामवेद, ईशादि 9 उपनिषद, ईशकेन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, ऐतरेय, तैतरीय और श्वेतांबर, इनका आपने काव्य अनुवाद किया। केवल इनका ही नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता का ब्रज भाषा में भी काव्य अनुवाद किया, अष्टावक्र गीता का किया। क्या क्या किया है यह हम मृदुल जी से ही जानेंगे। आपको अपने इस काम के लिए इवन पतंजलि योग दर्शन का चौपाई में आपने भवन अनुवाद किया। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण डॉक्टर मौटुरी सत्यनारायण, हिंदी से भी सम्मान मिला है केंद्रीय हिंदी सत्य हिंदी संस्थान का, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रवासी भारतीय सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से भी सम्मानित हुई। मैं आपके कामों की इतनी लंबी श्रृंखला है कि मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत सारा वक्त हमारा केवल परिचय में जाएगा। मैं मृदुल जी आपके बचपन की, आप अभी पहले ही बात यह जानना चाहूंगा कि इस समय आप किस देश में हैं। इस समय तो मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हूँ जी। तो आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुई और आपका बचपन जो था वह किस तरह बीता। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, उस समय के माहौल के बारे में बताइए और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एक लड़की, जब आप लड़की रही होंगी उस समय से आज जो मृदुल जी बनी हैं
वहां तक की यात्रा कैसे हुई, मतलब मृदुल से मृदुल कीर्ति तक, और कीर्ति भी ऐसी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक फैली हुई, सब ईश्वरीय कृपा का है। नहीं, ईश्वरीय कृपा तो है, लेकिन आपका बचपन, आप कहाँ पैदा हुई, वहां से शुरुआत करिए। आपने मुझे, अब मैं थोड़ा सा अतीत में जाती हूँ, और बचपन की अगर कोई मधुर स्मृतियों की अगर बात करूं तो एक भी स्मृति मुझे मधुर नहीं होती है, संघर्षमय रही। और उसका कारण यह था कि दैवीय बहुत सारी विपदाएं जो होती हैं वो हमारे परिवार पर थी। तो जिसे कहते हैं कि बचपन में ही आप उन उन परेशानियों के बीच में ही मुझे मेरी माता और पिता ने जो संस्कार दे दिए वो मुझे आज तक याद आते हैं। और आज तक उन्हीं की बीजारोपण की जो ये खेती बनी है उसके लिए मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी सी थी तो हमारे यहाँ, सबसे पहले मैं आपको वो बताती चलूं कि हम लोग आर्य समाज परंपरा के रहे हैं, और 18वीं सदी में स्वामी दयानंद मेरे घर आए थे। ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ परिवार की रही है। तो दयानंद जी जिस जब आए तो हमारे परदादा ने अपना आधा घर आर्य समाज को दे दिया, और वो आर्य समाज आज भी इतना फल फूल रहा है, जिसको मैं अभी पिछले वर्ष भी देख कर आई, बच्चों को भी दिखा कर लाई। तो वो वहां पर आर्य समाज में जब कोई भी संत वगैरह आते थे तो मैं पहली होती थी जिससे आगे की पंक्ति में बैठती थी, फ्रॉक अपनी फैला के, और मुझे तो उन संत को सुनना है, और मुझे नहीं पता मुझे क्या समझ में आ रहा है, लेकिन मैं सुनती थी। फिर उसके बाद हमारे, क्योंकि मेरी माता और पिता दोनों ही पक्के आर्य समाजी थे, और हम लोगों की जब प्रातः होती थी तो हमें चारों दिशाओं को प्रणाम करना पड़ता था, और माँ प्रणाम, पिता प्रणाम आदि, इतनी संस्कारी हमारा परिवेश था। और सुबह होने ऐसे नहीं कि उठ गए, तो सुबह ही ओम प्राची दिग्नाधिपति रक्षितो पितरेश्व तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमो ईश्यभ्यो नमो एभ्योस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयम् दिष्मस्तम्भो जम्बे दद्मः। चारों दिशाओं में ना हम किसी से द्वेष करें ना कोई हमसे द्वेष करे, इस प्रार्थना के साथ चारों दिशाओं को प्रणाम करके उठना। और फिर स्वाध्याय होता था, मेरी माँ आर्य समाज की अच्छी मतलब कर्मठ थी, तो स्वाध्याय में 3 से 5 स्वाध्याय होता था पांडे जी। उस स्वाध्याय में छोटी सी हूँ, 12 साल की करीब, तो मन तो लगना नहीं था, तो मैं ऊब के पढ़ा करती थी, और जो सहेलियां और लोग खेला करते थे तो एक निशान बना लिया था कि वो अपने दरवाजे, पहले दरवाजे में कुंडी हुआ करती थी ना जो लटकी हुई होती थी जी, तो उस कुंडी को खट खट 2 बार कर दिया, तो इसका मतलब सहेलियों के खेलने का टाइम, और इधर मेरे पढ़ने का। तो मुझे ऋग्वेद भाष्य भूमि का 12 वर्ष की उम्र में पढ़ना पड़ता था, पढ़ती नहीं थी। तो अम्मा ने फिर एक दिन कहा कि मुझे पता है मन नहीं लगता है, तो उन्होंने जो एक चौपाई मुझे सुनाई थी तुलसी की, वो कुछ बन गई वो मेरे लिए। उन्होंने कहा कि तुलसी अपने राम को हीज भजो या खीज, हीज हृदय से खीज खिसिया के, पर भूमि पड़े उपजाएंगे ही उल्टे सीधे बीज। तो वो भूमि में जो उन्होंने बीज डाल दिए, तो जो मैंने आपको शुरू में ये बताया कि बहुत कोई मुझे मधुर स्मृति नहीं, इसलिए नहीं मधुर स्मृति, माता पिता बहुत स्नेह प्यार जो वात्सल्य वो सब कुछ था, हम धन की भी कोई कमी नहीं थी। हम डॉक्टर थे, मेरे पिता जो थे वो आज के जैसे सर्जन होते हैं वैसे, वो DIMS थे, उनको पीयूष पाणी की उपाधि मिली हुई थी, आयुर्वेदाचार्य थे, जो आजकल आयुर्वेद का प्रचार हो रहा वो सब मेरे घर होता था। मेरे घर पिष्टियां, प्रवाल पिष्टी, चवन प्राश, उधर ना जाके संक्षेप में बता, वैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी थी दैवीय बुद्धि कि पिता बीमार, माँ बीमार हो गई, कैंसर हो गया उन्हें, डायबिटीज आदि आदि, गहराई में ना जाके। तो वो नींव जो थी ना, कि एक एक कहावत है कि ऊंचा महल बनाना होता है तो नींव भी गहरी करनी होती है, तो वहां से मेरी नींव गहरी होती गई। और फिर उसके बाद मैं जब शादी हुई तो वो सामंती परिवार में हो गई,
तो वो सामंती परिवार में जो था वो और कुछ हो ना हो, पैसा तो वो नाम है, लेकिन अहंकार बहुत प्रबल होता है। तो उस अहंकार का पोषण का शिकार मैं थी। तो वो समय जो है वो बहुत क्लिष्ट था, मानसिक आत्मिक, और जो मेरे बिल्कुल सर्वथा विपरीत था। तो उसका भी संवहन किया और बहुत ज्ञान पूर्वक किया। क्या उम्र रही होगी जब आपकी शादी हुई, तो क्या उम्र रही होगी? मैं 18-19 साल की थी। यानी आप स्नातकोत्तर भी नहीं किया रहा होगा? जी, स्नातकोत्तर मैंने शादी के बाद किया है, दूसरा वर्ष। एक वर्ष तो पहले किया, दूसरा वर्ष वहां किया, और PhD मैंने तब किया जब बेटा मेरा हाई स्कूल में था, तब वेदों पर रिसर्च किया। जी अच्छा जी, यही इसीलिए मैंने कहा कि आप राजनीति शास्त्र से करने के बाद अचानक वेदों की तरफ। मैं ये सवाल करने वाला था कि आपने वेदों में राजनीति, यह PhD का आपके शोध का विषय क्यों था? तो चूंकि आपने इतना एक लंबा अरसा लिया, और तो शादी हो गई और आपकी पढ़ाई लिखाई, बचपन के संघर्षों को आपने बता ही दिया जी। यहाँ तो मैं ये भी बता दूं कि आपका शायद एक प्रश्न बने, मैं उस प्रश्न का भी पहले उत्तर दिया देती हूँ, प्रश्न से ही पहले, क्योंकि आप प्रश्नाहित होंगे, उससे पहले मैं उत्तरित होती हूँ कि आप पूछेंगे मेरी शिक्षा कहाँ हुई। मेरी शिक्षा कहीं भी व्यवस्थित रूप से किसी स्कूल कॉलेज में नहीं हुई, जहां मैं गर्व से कहूँ सुनिए इस महाविद्यालय में मैं पढ़ी हूँ या वहां पढ़ी हूँ, कहीं नहीं। प्राइवेट फॉर्म भर दिया और घर पर ही पढ़ती थी। तो इस तरह तो मैं MA तक ऐसे ही पढ़ी हूँ जी। चलिए, इसीलिए मैं पूछने ही वाला था कि आपकी ये, तो आपने बताया कि दयानंद सरस्वती जी आपके घर आए थे और आपका परिवार आर्य समाजी था जी। उस कुर्सी पर भी मैं बैठती थी जिसपे स्वामी दयानंद बैठे थे, वो मेरे घर थी, बहुत संजो के रखी गई थी, अब नहीं पता कहाँ है जी। तो सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू धर्म के या सनातन धर्म की जो तमाम कुरीतियां, अंधविश्वास, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा का भी खंडन किया गया है, और आप संयोग या दुर्योग से, मैं कहूँ कि आप एक ऐसे परिवेश में चली गई, परिवार में चली गई जहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी। जहाँ सामंतवादी व्यवस्था होगी वहां पे निश्चित रूप से व्यक्तिवाद प्रबल होता है। तो आप के जो बचपन के संस्कार थे, और जब आप ससुराल में गई वहां से, मतलब उन दोनों माहौल के बारे में बताते हुए आप किस तरह से, आप ये कह के नहीं बच सकती कि मुझे ईश्वरीय प्रेरणा हुई और मैं इस भावानुवाद, काव्यानुवाद की तरफ उन्मुख हुई। मेरा कहना यह है कि आप एक तो अपने उस माहौल के बारे में बताएं कि आप परिणीति, आप इधर कैसे उन्मुख हुई और वो माहौल क्या था। अगर इसे अपनी रचित पंक्ति में कहूं मैं, तो वेद से बिंधकर ही पाया बोध है, ये हमारी वेदना का शोध है। दूसरी पंक्ति में कि चुभन से जगा हो जो व्यक्तित्व तो उसका, पता कुछ नहीं है किधर चल पड़ेगा, ये तुलसी या मीरा या काली बनेगा या ध्रुव बन के तारा गगन में चढ़ेगा। चुभन जो होती है वो चेतना को जगाए रखती है, अगर उसमें ज्ञान का संवरण हो जाए तो। कसैला वातावरण रासायनिक खाद का काम करता है, अगर उसमें ज्ञान का संवरण कर दिया जाए तो, और नहीं तो वो बिखर जाता है, जर्रे जर्रे उसके बिखर जाते हैं, टूट जाता है। मैंने स्वयं को टूटने से बचाया, लेकिन टूटने की सारी संभावनाओं के बीच में रही। ऐसा कोई भी सुनहरी सुबह या सुगंधित शाम का मैं विचित्र नहीं कर सकती कि जिसमें मैं ये कहूं कि नहीं, मुझे चुभन नहीं जगाया है। और एक पंक्ति और याद आ रही है जिसमें आपको आगे कुछ पूछने की कर रहे गई नहीं,
एक पंक्ति याद आ रही है कि जिंदगी हमारी कुछ इस तरह चली गई, जिंदगी हमारी कुछ इस तरह चली गई जो पंखुड़ी गुलाब की आग पर तली क्या बात, गई। बहुत बस उम्दा। आप ये बताएं मुझे कि जी आप स्वयं इतना ऐसी सर्जक हैं जो संस्कृत के महान ग्रंथों को, जी हमारे उपनिषद को, वेद को, जिनको पढ़ पाना ही सामान्य मनुष्य के लिए कठिन कार्य है, कोई जी आसान नहीं है वेद पढ़ना और उसे समझना। आप उनका काव्य अनुवाद करती हैं, भावानुवाद करती हैं। जब आपकी ऐसी सर्जक क्षमता है, तो आपने खुद क्यों नहीं सोचा कि मैं अलग से ग्रंथ लिखूंगी, मैं कुछ ऐसा लिखूंगी बजाय इसका भावानुवाद करने के, मैं अपनी भावनाओं को, क्योंकि आप जो भी सुना रही हैं वह बताता है कि आपके अंदर इस बात की अनूठी क्षमता है कि आप स्वयं चाहें तो बिना भावानुवाद काव्यानुवाद के अपनी एक अलग धारा भी विकसित कर सकती हैं। तो जी आपने आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपका प्रश्न जो है बड़ा ही सारगर्भित है, इसलिए कि क्योंकि लेखन क्षमता तो ईश्वर ने दी है और मेरा गद्य भी बहुत सशक्त है, तो मैं चाहूं तो कितनी ही कहानियां और कितने ही संदर्भ मेरे जीवन में हैं जो मैं जी अगर एक एक पृष्ठ भी लिखूं तो बड़ी कहानियां बन सकती हूँ, उपन्यास बन सकता है। लेकिन जो चेतना चैतन्य से जब जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति के जो व्यक्ति का जो संकीर्ण घेरा है उससे आगे की सोच रखता है। क्योंकि जी ये अगर मैं अपने अपनी ही पीड़ा को लिखती, कोई मेरी नई नहीं है, इतिहास उठाकर देख ली ये सब तो होता रहता है, तो अगर इसी पे अटक जाती तो इतने बड़े काम ना होते। दूसरी बात ये है कि अगर कोई पीड़ा का या अपनी बात का कुछ लिखता है, मैंने कभी आंसू और आहें और बाहों पे कभी नहीं लिखा, ये मेरा विषय ही नहीं रहा और मेरे मन में भी कभी नहीं आया, तो मैं इस ये विषय से तो मैं इतर हमेशा रही, हमेशा एक सात्विक वृत्ति में तैरना मेरा एक स्वभाव बन गया था। तो अगर मैं अपने बारे में लिखती तो वो क्या होता, वो पांडे जी एकांतिक होता। एकांतिक होता है तो क्या मैं अपनी पीड़ा का विस्तारा करती, तो क्या मैं आपकी सहानुभूति पाने के लिए कहती हाय मेरे सामंती परिवार में था, इतने कटु वचन बोले गए थे जो मुझे हिला देते थे, आदि आदि, ये सब तो हर कहानी उपन्यास में लिखा हुआ है इसी का पर। तो पीड़ा का पसारा जो है वो एकांतिक साहित्य की रचना करता है, और जो आत्यंतिक साहित्य होता है वो दैविक दैहिक भौतिक त्रिविध तापों की निवृत्ति करता है। तो एकांतिक और आत्यंतिक के बीच का जो अंतर है वो उसने मुझे आकर्षित किया कि मैं स्वयं के बारे में ना लिखकर जो वेदों में ये ऋषि जन्य ग्रंथ हैं, और कुछ शायद मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन ये होता चला गया। क्योंकि 85 की बात है ये कि वेदों के शोध के संदर्भ में सामवेद खुला हुआ था, और अचानक मैं ऐसे बैठी उसके पास, तो वो दिन मुझे चित्रित हो रहा है आंखों में। तो जो पहला मंत्र था ओम अग्न आयाहि वीते ग्रणानो हव्य दायते निहोता सत्सि बहर्षि, और वो पढ़ा दो बार तो नीचे अपने आप एक अनुवाद बन गया कि हे परमेश्वर सुखदाता तू ब्रह्मांड विश्व में व्यापक है, दे ज्ञान श्री व सुख शांत रिद्धि है अखिल विश्व तेरा याचक। इस तरह बैठे एक की, और मेरे पास ना पेन था ना कॉपी थी, जो आपको याद होगा कि साइंस की एक कॉपी होती है जिसमें लेफ्ट साइड खाली होता है, जी तो जी वो मैंने बाहर एक बेटी की वो थी, फटाफट उस पे लिख दी, एक किया दो किया, तो इस तरह पांच हो गए, पांच हो गए, फिर शाम को फिर और कुछ हो गए, फिर मुझे जैसे वो ग्रंथ मुझे बुलाने लगा कि करना है और करना है, और फिर आकर्षण बढ़ता चला गया। लेकिन जब घर का काम हल्का कम होता है तो मैं फिर उस पे आती, फिर लगा कि काम तो अनंत है ऐसे तो नहीं होगा, तो मैं उसको किचन में ही रखने लगी, तो उसकी मंत्रणा को मैं हृदयंगम कर लेती थी और जैसे ही अनुवाद होता तो किचन में ही लिखा होता था, और फिर तो मैं जगह जगह अपना पेन और कागज रखने लगी कि पता नहीं कब अधिचेतना में मुझे ईश्वरी चेतना उतर के आए,
तो लगता था कि कोई मुझे और लिखाता है, तो फिर मुझे याद आता था कि कौन देता लेखनी कर में थमा, और कौन फिर जाता हृदय तल में समा, कौन कर देता है उन्मन चित्त को संसार से, कौन तज निस्सारता मुझको मिलाता सार से, कौन भूमा तक मेरे मन मूल को है ले चला, और कौन गह कर बाह जग से तोड़ता है श्रृंखला। तो भूमा तक, भूमा का वो है जो ओरिजिन पॉइंट है ईश्वरी सत्ता का। तो इस तरह पहली रचना, पहला ग्रंथ सामवेद था जी, पहला सामवेद था। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसका काव्यानुवाद करने के बाद रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक की पहली यात्रा की मैंने, बीच में कोई पड़ाव नहीं था, और वो एक दूसरी कहानी है कि मैं कैसे वहां पहुंची। दूसरी, उसके बाद मैंने 9 उपनिषदों का अनुवाद किया, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांड्युक ऐत्रे तैत्री और श्वेताश्वर, इस तरह 9 उपनिषदों का हरिगीतिका छंद में अनुवाद किया। मैं आपको ग्रंथ भी दिखाती चलूं, ये सामवेद इस समय मेरे पास नहीं है, भारत में ही है और बाकी सब प्रतियां खत्म हो गई थी। तो ये 9 उपनिषद जो हैं, तो वो हरिगीत उसका उसका विमोचन भी आर वेंकटरमन ने किया, और इसके बाद उपनिषदों का किया, इसका विमोचन श्री शंकराचार्य जी ने, वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया। आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आपने एक कठिन विधा से, आपको ये नहीं लगा कि मैं इसकी व्याख्या करूं, इसकी इसका अर्थ लिखूं, इसको काव्य अनुवाद क्यों कर रही हूं, क्योंकि काव्य समझना तो सभी के बस का नहीं है। देखिए, काव्य के विषय में अगर मैं बताऊं आपको, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा है कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता पुन सत्तम ततो विप्रता तस्मात द्वैतिक धर्म मार्ग पड़ता विद्वत स्मात परम आत्मा अनात्म विवेचनम पुण्यर मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि पुण्यर बिना लभते। मनुष्य जन्म और विपरीत, मनुष्य जन्म और फिर उसके बाद विप्र का अर्थ है यहाँ पर जो बौद्धिकता प्रधान, किसी वर्ग से नहीं है, जिनका ईश्वरी शक्ति में विश्वास। जन्म कठिन, विप्र होना कठिन, फिर आत्मनाद विवेचन कठिन, और इन सब से भी कठिन जो अध्यात्म का की रचना करता है वो बिना पुण्य के नहीं हो सकता। और यहाँ मैं ये कह सकती हूँ, अगर आप कहें तो मैं इसका, जब मेरे आपने कहा ना कि काव्य में ही क्यों लिखा, आप कह रहे हैं ना कि गद्य क्यों नहीं लिखा, आगे गद्य भी लिखा, लेकिन जब काव्य का प्रवाह आता था पांडे जी, तो लगता था दोनों हाथों से लिखो। और एक अनुवाद के बाद एक चौपाई में अगर हो गया तो जी नहीं भरा, तो फिर उसको दोहे में लिखा, और वो आपने अगर देखा हो तो हमने आपको विवेक चूड़ामणि दे रखी है, उसके पहला ही मंत्र जो है वो चौपाई और दोहा दोनों ही छंदों में है। तो बिनु हरि कृपा ना मिल सके ये तीनों एक संग। आपका उद्देश्य क्या था इसको अनुवाद करने के पीछे? आपने, ठीक है, एक भाव अंदर से आया और फिर आपकी यात्रा, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि रसोई घर से पहले भावानुवाद के बाद, काव्यानुवाद के बाद आपने राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा की, और आपने मैं आपके जो चित्रों को देखता हूँ और बाकी जगहों आपके बारे में जो पढ़ा है उसमें ये भी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आपकी पुस्तकों का विमोचन किया है। मैं, दो सवाल यहाँ पे है। पहला सवाल है कि आपने वह यात्रा कैसे की, मतलब रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक की, और दूसरी, आप जो कार्य कर रही हैं उसके लिए किसी राजप्रसाद या राजप्रसाद से जुड़े व्यक्तियों की सहयोग की आवश्यकता कितनी है और कितनी होनी चाहिए? ये दो सवाल हैं जी। इसे मैं वैदिक पुष्टि से ही, वैदिक संदर्भों की पुष्टि से ही आपको आश्वस्त करती हूँ। जब वेदों का राजनीति शास्त्र में, कि वेदों में राजनीतिक व्यवस्था इस शीर्षक से, जब राजा का क्या कर्तव्य है, वैदिक राजा कितना आदर्श था,
उसी में एक संदर्भ आता है कि वैदिक राजा का कर्तव्य है कि देश में भारतीय संस्कृति को संवरण करने वाले विद्वानों के कामों की मान्यता प्रदान करे और उनको मान भी दे, मान और मान्यता दोनों। मुझे ये बात दिल में आ गई, मैंने कहा ये राष्ट्रीय महत्व का काम मैंने किया है और इसे मैं वो नहीं होने दूंगी, मैं इसको ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी। तो कोई भी आप इशारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कोई ऐसा परिवेश नहीं था जो मुझे सहयोगी होता। तो बेटे के साथ मैं फिर दिल्ली जाती थी कई बार, जैसे दयानंद संस्थान से प्रकाशित हुआ तो वहां से लिंक, उन दिनों तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, पत्र व्यवहारी केवल होता था। तो मैं पत्र व्यवहार राष्ट्रपति भवन में किया कि ऐसे ऐसे राष्ट्रीय महत्व का ये है और इसको मैं निवेदन करती हूँ कि इसको ये देश में तब तक जाएगा मेरा काम जब आप इसका विमोचन करेंगे। तो इस तरह मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। और एक यहाँ पर श्री वीरेंद्र वर्मा जी थे राज्यसभा के, वो पक्के आर्य समाजी थे, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। उन्होंने वहां के पत्राचार में और संपर्क सूत्र के संदर्भ में श्री वीरेंद्र वर्मा जी ने मेरा बहुत सहयोग किया, उनको उनकी दिवंगत उसको मैं अभी भी प्रणाम करती हूँ। तो दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, आपने कहा, आपने मेरे, हालांकि इसी उत्तर में आपने कहा कि आपने वेद में आदर्श राजा का जो उल्लेख है आप उससे प्रेरित हुई और आप राष्ट्रपति भवन पहुंची। मैं जानना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में, चूंकि आपकी पुस्तकों का लोकार्पण 3 राष्ट्रपतियों ने किया जी और 1 प्रधानमंत्री ने जी, उसका क्या ये ग्रंथ जिस भावना से, जिस उद्देश्य से आपने उनको जनमानस के बीच में लाने की कोशिश की थी, क्या वे पहुंच पाए अपने उद्देश्य तक, या आपने जो सोचा, आपने लिखा, आपने अपने श्रम से वे प्रकाशित हुए, क्या उनको वो लोकप्रियता मिली या उनको वो स्थान मिला जो सोच के आपने राजाश्रय मैं कहूं या मैं कहूं कि राजप्रासादों के दरवाजे पर आप गई? ये थोड़ा सा मुझे पीर देता है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, कोई प्रासार वैसा नहीं था। लेकिन आपको पता है कि हमेशा ही इन दूसरे और युगों की तो बात मुझे नहीं ज्यादा पता, सतयुग और द्वापर में, लेकिन आप जन सामान्य की रुचि अगर देखें तो इसके प्रति तो आसक्ति होती ही नहीं। और ये हर युग में थोड़े ही लोग रहे हैं, जैसे कोयले की खान में हीरा थोड़े ही होते हैं, और लेकिन होते हैं तो जब हीरे होते हैं तो होते हैं। तो ये आप देखिए कि आज और भी अभिरुचि देखिए, आप जो लाइक्स है, आप तो आप फेसबुक में आदि इनमें देखिए कि लाइक्स किसी भी पसंदगी का आधार क्या है, मापदंड देख लीजिए। जब 1 मिनट में लाखों लाइक्स आ जाते हैं, किसके आते हैं, तो वो जनमानस की रुचि को दर्शाते हैं। तो जनमानस की रुचि जिधर है तो वहां लाइक्स आते हैं, और इधर के बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन हमेशा जो इन चीजों के थोड़े ही होते हैं लेकिन पर्याप्त होते हैं। मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि कितने हैं, जिसकी प्यास होगी वही तृप्ति के लिए आएगा, तो जिस चीज की प्यास ही नहीं होगी तो कैसे आएगा। संस्कृत को देव भाषा मानते हैं और आपने सारा अध्ययन ही, मतलब गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन जो है आपने किया, तो संस्कृत पर आपकी यह पकड़ कैसे हुई? यहाँ 3 तत्व मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ कि जो मैं अपने ऊपर आरोपित करती हूँ कि एक तो शायद मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने अपनी डॉक्टरी जो है वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं, संस्कृत में की थी, तो वो उनके जेनेटिक अनुवांशिक मेरा रूप वो आया, तो शायद मैं गर्भ में ही संस्कृति के प्रति बहुत रुचि रखती थी। दूसरा, मेरा अपना स्वयं का जो जीव आता है तो वो अपने भी बीजाणु लेकर आता है, अपने भी संस्कार के परमाणु लेकर आता है। तो वो जो मेरा भाव प्रत्यय था
तो एक वो यात्रा थी प्रति प्रसव से भव प्रत्यय तक जाने की। उस यात्रा में परिवेश भी मेरा साथ दे गया। तो अनुवांशिक, मेरे अपने संस्कार और परिवेश, तीनों के सम्मिश्रण से एक बहुत अच्छी मनोभावना मेरी विकसित होती चली गई और इतनी परिपुष्ट होकर गई कि मैं चाहती तो बिखर सकती थी पर नहीं बिखरी। तो इसमें संस्कृति में ज्यादा संस्कृत, आप कहें कि मुझे बहुत संस्कृत आती है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। मैं बहुत कुछ नहीं जानती, जितना आप लोग जानते ये थोड़ा मतलब, लेकिन जब 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 मैं ऋषियों के ग्रंथ पढ़ती हूँ तो हमेशा मुझे लगता है मुझे आत्मसात हो जाता है और मैं अनुवाद कर देती हूँ। इसी तरह एक परम आश्चर्य की दूसरी बात बताऊं, मैं कभी ब्रिज के पिछवाड़े से भी नहीं निकली और गीता ब्रिज भाषा में मैंने लिख दी। आपने इतने सारे आर्ष ग्रंथों का, मैं कहूँ कि देव ग्रंथों का, देववाणी है, वेद को मान्यता ऐसी दी जाती जी, है 18 महाग्रंथों का किया। तो इन ग्रंथों में जो सार तत्व है वह आपने क्या पाया? और अगर मैं ये कहूँ कि आपसे मैं पूछूं कि आपने जिन ग्रंथों को पढ़ा उनमें श्रेष्ठ कौन सा था, या जिसको करने के बाद आपको आत्मतुष्टि हुई कि ये करना बहुत जरूरी था, इसके बिना तो काम नहीं चलता, जी वो कौन सा ग्रंथ? ये देखिए, एक एक पंक्ति में, केवल एक एक पंक्ति में एक एक ग्रंथ का समीकरण बताती हूं मैं। सामवेद कहता है मनुर्भव। अब मनुर्भव में सारी ही चारित्रिक गुणवत्ता समा जाती है जिसको वो मनुष्य कहते हैं। तो सामवेद, मनुर्भव, उसके बाद मैंने किया उपनिषदों को। तो उपनिषद में 9 उपनिषद किए, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेताश्चर्य। इसमें सबसे पहला जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, ईशावास्योपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि गीता के जो 18 अध्याय हैं वो ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों का ही विस्तार है, और इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधा कस्य सिद्धतम। उसका जो त्यक्तेन भुञ्जीता है वो जीवन का सार और हमारे जीवन का संविधान है। ये पूरा मंत्र ही जो है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर लाइफ, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। तो वो मैंने उसको पकड़ा है। तो लिवर, तो त्यक्तेन भुञ्जीता, त्याग करते हुए वो, उपनिषद कहते हैं त्यक्तेन भुञ्जीता। अब आती हूँ गीता पे। भगवत गीता कहती है कि तुम परिणाम की इच्छा करते हो और मैं इच्छा का परिणाम जानता हूं। सारी सृष्टि में यही तुम परिणाम की इच्छा, दोबारा कहती हूँ कि वासुदेव कहते हैं जीव से कि तुम परिणाम की इच्छा करते हो और मैं इच्छा का परिणाम जानता हूं। ये गीता का दर्शन है। क्योंकि जब तक निर्बीज नहीं हो गए, अब इसके बाद ये गीता के बाद आती है अष्टावक्र गीता जो मैंने की, उसमें तो क्या है कि वो तो अष्टावक्र गीता क्या कहते हैं राजा जनक से, और उसका सार क्या है कि निर्जीव रहनी, रहो तो ऐसे जैसे नहीं हो, और निर्बीज करनी, कर्म ऐसे करो कि एक भी बीज ना जड़े। क्योंकि लोग मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं, मोक्ष क्या है, कारण का निवारण हो जाना ही मोक्ष है। जब कारण ही ना रहे, बीज ही ना रहे, तो आगे की क्या, कारण का निवारण ही मोक्ष है। तो अष्टावक्र गीता कहती है निर्जीव रहनी और निर्बीज करनी। उसके बाद किया मैंने पतंजलि योग दर्शन। तो पतंजलि योग दर्शन में पहला ही मंत्र है जो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ये पूरे का सब इसी का विस्तार है पूरा पतंजलि योग दर्शन में। तो चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं बल्कि उनका संयमन। तो उसका अनुवाद देखिए चौपाई में जो मुझे याद आ रहा है कि जही पल थमही चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम अरु चित्त निरोधा, तिनही योग रित सत्य प्रबोधा। अब आप देखिए जी, आपने अभी ये कहा कि आपने इसे ही क्यों चुना। अब आप देखिए मंत्रवत और यंत्रवत पीढ़ियां ऐसे बोलती आ रही हैं और बात वहीं की वहीं रहती, कोई समझ नहीं पाता।
जब तक क्लिष्टता से जो नीरसता आती है उसको सरसता में रूपांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक प्रियता नहीं होगी। और प्रियता और रुचिता तीन जो है वो ही निजता लाते हैं। तो अगर किसी भी ग्रंथ के उसको आत्मसात कराना है तो उसे जन सामान्य की भाषा में लाना ही होगा, वरना ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जिस भी ग्रंथ की भाषा में, पाली में देख लीजिए, जैन का कितना समृद्ध हमारा वो था, सब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा। 1,000-1,500 साल के बाद ग्रंथ विलुप्त हो जाते हैं अगर उनका जन सामान्य में रूपांतरण नहीं होता। तो इसके एक और कुछ, हाँ, अष्टावक्र गीता के बाद पातंजलि योग दर्शन के बाद शंकराचार्य पर मैंने बहुत काम किया। उसमें शंकराचार्य के स्तुति श्रोत साहित्य जो है, बहुत सारे स्तुति है, ये इसको ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने इसको प्रकाशित किया। और उसके बाद विवेक चूड़ामणि, वो तो आपने देखी ही है, विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य की, वो 351 पेज का ग्रंथ है और वो भी बहुत है। लेकिन इन सब ग्रंथों के अनुवादों में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय अष्टावक्र गीता है, क्योंकि वो इतनी उच्च कोटि का, परम कोटि का वैराग्य सिखाता है कि जगत में मुड़कर देखने का फिर मन नहीं करता, तैरने की स्थिति आ जाती है। तो मुझे अष्टावक्र गीता बहुत पसंद है। आपके बातों से ही मुझे एक सवाल, हालांकि मेरे दिमाग में पहले भी था और शायद मैंने इससे पहले उसका जिक्र किया हो, रामचरितमानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था तो यह माना गया कि उन्होंने अपने समय में प्रचलित राम कथा को, जो संस्कृत में थी वाल्मीकि रामायण, या जो दूसरे भी जो रामायण ग्रंथ थे, उस समय संस्कृत का प्रचलन था और संस्कृत केवल बौद्धिक जगत के बीच प्रचलित थी, लोकप्रिय थी, आम जन के पास अपने राम को पहुंचाने के लिए उन्होंने श्री रामचरितमानस का को लिखा। आपने इतने सारे ग्रंथों का काव्यानुवाद भी कर लिया, भावानुवाद भी कर लिया, उनको बांचा भी, उनको आत्मसात भी कर लिया, उनको अपनी भाषा दे दी, क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ लिखने का है कि मैं कोई एक ग्रंथ लिखूं जो इन सब का निचोड़ हो और जो मेरा अपना हो, क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रही हैं? जी, अभी जो है इस समय जो मेरा लेखन चल रहा है वो सांख्य योग दर्शन पर चल रहा है। मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर देती हूँ। तो सांख्य योग दर्शन जो है वो पातंजलि योग दर्शन की पीठिका है और ये युग में है, तो ये पातंजलि का किया तो सांख्य योग का भी करना चाहिए। तो वो आजकल चल रहा है और वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत क्लिष्ट है। उसका काव्यानुवाद पूरा हो चुका है, व्याख्या चल रही है। तो आपने कहा कि मैं अपना कुछ लिखने की है मेरे मन में, वो क्या है, योग वशिष्ठ का जो मन का परिशिष्ट है जिसमें उन्होंने मन के बारे में लिखा है, तो जो इन ग्रंथों में मन का दर्शन है, जो फिलॉसफी कि क्या है मन, ये मन और विचार, इन पर मैं पॉइंट्स मेरे लिख लिए हैं और इन पर मैं एक बहुत शोध परक लेख कहिए या ग्रंथ कहिए, छोटा ही होगा लेकिन बहुत सारगर्भित और गुण गर्भिता का और मर्म गर्भिता को लिए हुए होगा, जो आने वाला है, शायद इस वर्ष के अंत तक मैं दे दूंगी। आपने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जी सबको पढ़ा भी, काम भी किया, हमारे यहाँ जो आज के समय में पृथ्वी पर जो दूसरे धर्म हैं, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन धर्मों के बीच क्या विभेद है, क्या हमारे ग्रंथों में इस तरह का कोई वक्तव्य, इस तरह की कोई धारणा अवधारणा है जिससे आज का जो समाज है या आज की जो धार्मिक व्यवस्था है, जो व्यक्ति को उसके दूसरे धर्म के होने के चलते बांटती है, क्या हमारे ग्रंथों में इस तरह की बातों का, इस तरह के विभेद का कोई उल्लेख है?
जो जो जिस जिस ग्रंथों का मैंने अनुवाद किया उनमें तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में संशोधनात्मक, जैसे संशोधन किया कि ये इस परंपरा को निभाने में ये कमियां हैं, इस तरह से स्वामी दयानंद ने बेशक कहा, लेकिन जो ग्रंथ जिनका अनुवाद मैंने किया वो शाश्वती का प्रतिपादन करते हैं। सूर्य पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलता है, सत्यम परम धर्मम, सत्य परम धर्म है तो उसका ही निकलता है। तो जो शाश्वती के नियम है उनका ही इसमें समावेश है, इसमें कोई विरोध की या किसी धर्म के काट की इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो आखिर जो इन ग्रंथों के लेखक थे उनका उद्देश्य क्या था, और इतने हजारों सालों के बाद भी उस रूप में मनुष्य क्यों नहीं बन पाया जिस रूप में उसे बनना चाहिए था, इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं या पाती हैं? देखिए, आपने अभी कहा उद्देश्य क्या, तो जब हमारी चेतना जागृत हो कभी, तो क्या हम स्वयं से पूछते हैं या नहीं कि किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन च संप्रतिष्ठा, अधिष्ठता केन सुख तरेषु, वर्ता महे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। क्या अब इसका अनुवाद देखिए, अब ये यही का यही रह जाता। तो हमारा जब अंतस प्रश्नायित होता है कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, आपने कहा ना कि क्यों है, तो इसका क्या इस जगत का मूल कारण, क्या इस जगत का मूल कारण ब्रह्म कौन, वह हम सभी उत्पन्न किससे, किसमें जीते, किसके हैं आधीन भी, किसकी व्यवस्था के अनंतर दुख सुख का विधान है, कत कौन संचालक जगत का, कौन ब्रह्म महान है। क्या ये प्रश्नाइत नहीं होते जीव के? इन प्रश्नों के उत्तर देता है उपनिषद। केनोपनिषद में जाइए तो हम कहते हैं हम क्यों आए हैं इस जगत में, जब भी चेतना जागृत होती है ये प्रश्न उठते हैं, तो इनके ये अनुत्तरित रह जाते हैं, जिसके उत्तर हमारी भारतीय संस्कृत के ये महाग्रंथ उत्तर देते हैं, जो भौतिकता से परे आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, परम सत्य की ओर ले जाते हैं, शाश्वती की ओर ले जाते हैं, कभी ना मिटने वाली बातों की ओर। तो हम कभी प्रश्नाई तो भौतिकता से इतर मुड़कर तो देखिए हम हैं कौन, ये प्रश्न जो है इसके उत्तर देते हैं उपनिषद। तो ये थोड़ी सी, तभी तो लोगों का मन नहीं लगता है इसमें, और जबकि यही शाश्वती है। इसकी वजह क्या पाती है, क्यों मन नहीं लगता है? देखिए, इंद्रियों का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है, और जब इंद्रियां जो हैं जगत की ओर उन्मुख होती हैं तो उनको सारे प्रलोभन आकर रोक लेते हैं, उसमें ज्ञान तिरोहित हो जाता है, तो वो व्यक्ति व्यक्ति न रह के वस्तु बन जाता है, जब वस्तु के पीछे ही भागता है। और जो ये हमारे ग्रंथ हैं वो क्या करते हैं, वो तत्व ज्ञान देते हैं, तात्विक दृष्टि देते हैं, आंखों में एक्सरा फिट कर देते हैं कि, और वस्तु का सही रूप बता देते हैं कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो एक्सरे से पता चल जाता है अंदर क्या। तात्विक दृष्टि क्या होती, तात्विक दृष्टि होती है कि बीज आपने देखा तो बीज लगा और वृक्ष बना, तो आप कहोगे बीज वृक्ष बना, अरे बड़ा है, अरे छोटा है आदि। लेकिन जो तत्व ज्ञानी होता है वो बीज में ही बरगद को देख लेता है, तो वो दृष्टि जो बीज में ही बरगद को देख ले वो तात्विक दृष्टि कहलाती है। ये तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और एक ऋत ज्ञान होता है। एक हम आपको बताएं कि वेदों में जब हम ऋचाएं पढ़ते थे तो हमेशा मुझे लगता था कि वेद में ऋत और सत्य एक साथ आता है। एक मंत्रणा है सृष्टि निर्माण की, यजुर्वेद में याद आ रही है, ओम ऋतंच सत्यं चाभि ध्यात पशो दजाय ततः रात्र जाय ततः समुद्राणवादरि संवत्सरो अजायतः अहो रात्राण विदृश्यमिस्तोवसि सूर्या चंद्रमा सौदाता यथा पूर्व मकल्पत दिवंच पृथ्वी चांद रक्षमतम। सारी सृष्टि को बना दिया, लेकिन पहला क्या मंत्र है, ऋतंच सत्यंच, तो ऋत आया है सबसे पहले। ऋत तो ऋत कौन सा होता है, जो भूमा से उतरता है, और जो जब धरती में हमारी हमारे धरती पे आता है तो वो उतना शुद्ध नहीं रहता, तो वो सत्य हो जाता है। ये है अंतर ऋत और सत्य का।
ये जो हमें हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं ये ऋत ज्ञान देते हैं। ये इतनी लंबी बात मैंने इसलिए की कि ये ऋत ज्ञान देते हैं, ये भूमा से उतरे हुए सत्य हैं। तो ये धरती पर उस रूप में क्यों नहीं व्याप्त हो पाए जिस रूप में इनकी व्याप्त होने की कल्पना की गई थी? वो आते वैसे ही आते हैं, लेकिन आते आते ही कुछ ना कुछ मतलब उतना सत्य रह नहीं जाता ये, मतलब विकारों के कारण, हमारे ऐन्द्रिक सुख को कारण, हमें उस तरह आत्मसात ना कर पाने के कारण उसमें विकारों का समावेश होता जाता, उनका रूप ही बदल जाता है। तो ऐसा बात नहीं है, उतरता तो सब सूर्य की रोशनी तो एक सी आती है, बादल ऊपर से कितना आता है, जो पानी बूंद की जो ऊपर से अमृत धारा होती है वो कीचड़ में गिरी तो कीचड़ हो जाएगी, सीप में गिरी तो मोती हो जाएगी। सूर्य की रोशनी तो एक सी आती है, जिसपे पड़ेगी वैसी आती है, लेकिन उसमें प्रकाश में अंतर नहीं है, ऋतु में अंतर नहीं है, जल में अंतर नहीं है, जैसी पात्रता होती है वैसा ही रूप हो जाता है। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप एक अपनी बात लेके आए, मैं यह चाहता हूं कि आपका जो ज्ञान और आपका जो कर्म है, आपका जो शोध है, आपकी सालों साल की जो तपस्या है, वह उस रूप में प्रस्फुटित हो हमारे लिए, मतलब जो आम जन है, मैं आम जन की बात अभी कर रहा हूँ, आम जन के लिए संस्कृत जितनी कठिन थी उतना ही कठिन किसी काव्य को भी समझना है। तो मैं यह चाहूंगा कि आप इन सारी पुस्तकों पर जो काव्यानुवाद और भावानुवाद आपने किया है उनको एक बार सरस हिंदी में बिना किसी श्लोक के लेके आने की कोशिश करें, ताकि उसको आदमी एक कहानी की तरह से पढ़ जाए। मतलब ये मेरा सुझाव है जी। मैं आपको बताती हूँ कि ये पतंजलि योग दर्शन का पहले मैंने अनुवाद ऐसे ही किया था, केवल मूल सूक्त और उनका काव्य अनुवाद। तो स्वामी रामदेव ने इसका विमोचन किया था ह्यूस्टन में, अमेरिका में। तब उन्होंने कहा ब्रदर इसकी व्याख्या लिखो, तो जब व्याख्या लिखी तो उसका विमोचन मोदी जी ने किया। तो व्याख्या की है विवेक चूड़ामणि की व्याख्या की है, पतंजलि योग दर्शन की व्याख्या की है इनकी। अब मैं व्याख्या में सांख्य योग दर्शन की भी व्याख्या कर रही हूँ। तो मेरा यही कहना है कि आप व्याख्या के साथ आए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन बहुत सरस भाषा में लिखती हूँ, और ये इतना भी हिंदी का इतना होने पर ये इतना तो समझ में आ जाना चाहिए ना। हिंदी की जो स्थिति है वो आपसे छुपी नहीं है। भारत में जो स्थितियां हैं वो आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे हिंदी में फेल हो गए, और हम हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। संस्कृत निष्ठ हिंदी कम होती जा रही है, और ब्रज और अवधी का लेखन और भी क्षीण होता जा रहा है दिनों दिन। और खड़ी बोली और अवधी ब्रज के बीच भी एक तरह की प्रतियोगिता चल रही है। तो भाषाओं का जो विवाद है उस पर आपकी क्या सोच? भाषा इतनी इतना ये इसका जितना प्रश्न क्लिष्ट है इसका उत्तर भी इतना क्लिष्ट है, और सारे सारी राजनयिक शक्तियां और व्यक्तिगत शक्तियां लगी पड़ी हैं, लेकिन बिखराव ज्यादा आ रहा है बजाय इसके कि हिंदी के प्रति क्या हो गया। देखिए, हिंदी को जब तक पांडे जी आर्थिक लाभ से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इसका कुछ नहीं होगा। ईश्वर को भी लोग लाभ, लोभ अथवा भय दो कारणों से याद करते हैं। ऐसे ही जब तक भय नहीं होगा और लाभ नहीं होगा तब तक नहीं होगा। कारण अगर ये नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो भय हो गया। अब ये कर लोगे तो नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी, लालच हो गया। जब तक आर्थिक लाभ से नहीं जोड़ा जाएगा हिंदी ऐसे ही काफी बिखराव बहुत आ रहा है, और बहुत प्रयास हो रहे हैं तब भी पता नहीं क्यों बहुत बिखराव आ रहा है इसमें। और आप तीनों देशों में, मतलब भारत भी रहती हैं, अमेरिका भी रहती हैं और ऑस्ट्रेलिया भी रहती हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति, संस्कृति नॉट संस्कृत,
भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को लेकर वहां पे किस तरह का माहौल है, खासकर भारतीयों के बीच में? हाँ, यहाँ तो तब भी काफी लोग, जैसे मंदिर हैं वहां पर एकनिष्ठ होकर प्रति रविवार को जाते हैं और चिंता भी करते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें। तो बहुत से अमेरिका में कई आर्ष गुरुकुल भी खुले हैं। एटलांटा में बहुत मशहूर आर्ष गुरुकुल है, वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, यज्ञ आदि हवन आदि करवाना सिखाया जाता है सब कुछ। और मंदिरों ने तो बहुत अच्छी, इस्कॉन मंदिर है, इन सब में होता है और वहीं पर हिंदी भी पढ़ाई जाती है और लोग इसके लिए चिंतित भी हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को ना भूलें, इसके लिए यहाँ पर हमारी जो रीति रिवाज और परंपरा है उन सब का संवहन ये लोग गाहे बगाहे करते रहते हैं बहुत अच्छे से। कई चीजें हैं, अब जैसे योग ने बहुत जोड़ा हिंदी को, योग ने हिंदी को जोड़ा, योग ने थोड़े संस्कृत के शब्दों का भी प्रलोभन पैदा किया है। जैसे अंग्रेज लोग भी अगर योग करते हैं तो त्रिकोण आसन है तो उसे ट्रायंगल नहीं बोलते, त्रिकोण आसन ही बोलते हैं, सेतुबंद आसन ही बोलते हैं आदि। इस तरीके से हिंदी संस्कृत के शब्द जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं और इसमें कंप्यूटर के माध्यम से, तकनीक से जो है हिंदी का विकास तो हुआ है। और मैंने तो कई ग्रंथ जो है, यहाँ यहाँ पर प्रवास में थी तो मेरे पास कोई किताबें नहीं थी तो मैंने कंप्यूटर से ही उनका अनुवाद किया है ग्रंथों को निकाल कर। तो तकनीक के माध्यम से तो हिंदी बढ़ रही है और लोग, जैसे आप कितने सारे जूम होते हैं उसमें आप देखिए तो रुचि भी ले रहे हैं, लेकिन देश में जो प्रांतीय भाषाओं का जो विघटनकारी स्वरूप है ना, उसमें बहुत ठगे से रह जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी भी अपनी प्रियता है उसके प्रति, तो वो तैयार नहीं होते। तो गलती तो शुरू में ही हो गई जब विभाजन के समय, तो उसी को हम लोग आज तक भोग रहे हैं। राष्ट्रभाषा घोषित हो जाती तो हो जाती, उस समय तो सब हो जाता, अब नहीं, अब तो पता नहीं क्या होगा। और आपको जैसे आपने कहा ना कि मेरा अनुवाद देखिएगा क्लिष्ट नहीं है, एक अनुवाद सुनाती हूँ ब्रज भाषा का। यदा यदा ही धर्म से सबको आता है, तो सुनिए यदा यदा ही धर्म से का मैं सवैया चंद में ब्रज भाषा में अनुवाद सुनाती हूँ। और उसके अलावा इसमें आप ये करिएगा कि जब आप वर्णमाला के आंतरिक उसमें जाते हैं दर्शन में, तो एक एक कोमल होता है, एक कठोर होता है। तो ता कोमल है था कठोर, दा कोमल है धा कठोर। अब मैं धा का 8 बार प्रयोग होगा यहाँ पर और उसका लावण्य देखिएगा। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, यदा यदा ही धर्मस्य का सुना रही हूं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, आधर्म हूं पांव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। इसमें कहां क्लिष्ट है? नहीं, हमारे लिए तो क्लिष्ट नहीं है, लेकिन धरनी धरा आज के समय में तो जो बच्चे हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, हाँ, धरनी उनके लिए भी कठिन है, उनके लिए तो धरा भी कठिन है और धरनी भी कठिन है उनके लिए। पृथ्वी कह दीजिए, माटी कह दीजिए तो समझ में आएगा, धरा उनके लिए कठिन है। दरअसल भारतीय भाषाओं को बचाने की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए वो उस रूप में नहीं हो रहे हैं, तभी तो लाखों लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। और अंग्रेजी को जो आपने कहा, लेकिन एक बात मुझे जो लगती है कि हिंदी अभी तो बाजार की भाषा है, दुनिया भर के जो चैनल हैं या दुनिया भर के जो उत्पाद हैं उनको भारतीय बाजारों में बने रहने के लिए अमेरिका से लेकर चीन से लेकर सभी लोग तो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी बाजार की तो भाषा बन गई, लेकिन हिंदी को वह स्वरूप स्कूली शिक्षा में उसको वह महत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, या हमारे आम जनमानस के बीच वो हिंदी बोलते हैं लेकिन अपने बच्चों से अंग्रेजी बात करते हैं जी, तो इसकी वजह क्या? आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या आपके बच्चे अमेरिका में हैं तो वहां समझ में आता है कि चलिए वो अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करें, लेकिन भारतीय परिवारों में अंग्रेजी के इस महत्व के पीछे आप क्या देखती हैं? मैं तो ये नहीं समझता कि हिंदी को अगर अर्थ से जोड़ा जाए, आपने कहा अर्थ तो आखिर बाजार
में धन मिल रहा है तब तो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्में इतना पैसा कमाती हैं। नहीं, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी जो सरकारी नौकरी है उसमें इंग्लिश आना जरूरी है, तो वो चीज जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा है। और काम भी इंग्लिश में ही सब कुछ है, हम भी कई बार यहाँ से हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में आंसर आता है मुझे मंत्रालय से, मैं नीचे लिखती भी हूँ कृपया हिंदी में उत्तर दीजिएगा, नहीं आता। तो जो सरकारी नौकरी है वहां पर ये है बाधा। चलिए, इस समय आप क्या कर रही हैं? इस समय मैं सांख्य हिंदी योग दर्शन का काव्य अनुवाद किया है और उसकी व्याख्या कर रही हूँ, और 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी। वो बहुत क्लिष्ट है, उसमें प्रकृति और पुरुष का जो विवरण है वो, प्रकृति के 24 तत्व और पुरुष, ये सब बहुत क्लिष्ट है। तो उसे मैं अवधी भाषा में लाई हूँ। दरअसल आप जिस दिशा में काम कर रही हैं, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, आदर्श स्थिति यह है कि समाज इस धरा के हर व्यक्ति को उन चीजों से आत्मसात होना चाहिए, उन चीजों से जुड़ना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए। लेकिन यह एक दुर्भाग्य है कि वे सारी चीजें आज के बौद्धिक वर्ग तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। आम जन की बात तो दूर है। तो मेरी शुभकामना है कि आपके प्रयास को कोई एक मुकाम मिले। केवल स्वांतः सुखाय, या आपने जो किया है वह एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में या एक लिपि से दूसरी लिपि में केवल परिवर्तित होकर ना रह जाए, आम लोगों तक पहुंचे। इस दिशा में आप अगर कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। और ये आखिरी हमारा सवाल है। मैं स्वयं शुरू से ही ना बहुत संकोची स्वभाव की रही, तो यहाँ तक कि फेसबुक तक पर भी अभी भी नहीं हूँ, तो वो मेरा एक वैसा रहा, मेरी कमी थी, तो उसका पसारा मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब थोड़ी सी सचेत हुई हूँ तो ये फैल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अब अच्छी, लोग काफी जानते हैं कि इनका रूपांतरण हुआ है और इसको सराहना भी बहुत मिल रही है अब। और जहां तक इसका सवाल है कि वो जब जब तक जन रुचि नहीं होगी तब तक नहीं होगा, तो रुचि तो मतलब एक व्यक्तिगत स्वभाव की बात है ना, जब रुचि पैदा होगी तो अपने आप ही देखेंगे। लेकिन हमेशा ही इसके, पांडे जी, कम ही लोग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे संख्या पे नहीं गुणवत्ता पे जाना चाहिए, और जो मान देते हैं इसका, जो इसको मानते हैं वो बहुत मानते हैं। और आप देखिए कि ये तो वो है जिसे कोई नकार सकता ही नहीं। मैं छांदोग्य उपनिषद का जो शांति मंत्र है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, देखिए इसका आपको हरि की टीका छंद में मेरे मन कर रहा है कि मैं सुनाऊं, सुनिए सौंदर्य देखिए काव्य का। परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, यह जगत भी प्रभु पूर्ण है, परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है, उस पूर्णता से पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है, परिपूर्ण प्रभु परमेश की यह पूर्णता ही विशेष है। अब आप देखिए कितना कितना आनंद है इसमें। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसे ही सर्जते रहें, ऐसे ही लिखती रहें और आपके ग्रंथ लोकप्रिय हों, लोग अपनी संस्कृति को, अपनी पुराणों को, अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को जान सकें, समझ सकें और उससे न केवल अपने समाज को बल्कि खुद की आत्ममुक्ति कर सकें। उदार हों, करुण हों, संवेदनशील हों और मानवता की उत्तमता के शिखर पर पहुंचे, यही कामना है। अगले हफ्ते फिर मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक साहित्य तक देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर, इस पटल पर मुझे बुलाया और मेरे मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।